सब जगह पूजा पूजा हो गई। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका गुड नाइट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं खूबसूरत दिन की। तो भाई अभी हम जा रहे हैं रूरू की बुआ के पास, क्योंकि भाई उस दिन वो लोग गए हुए थे अपना, मतलब ससुराल गई थी भैया वहाँ से, तो उससे मिल नहीं पाए थे, छाया से भी नहीं मिले थे, क्योंकि भाई उसका एग्जाम था डिलीवरी के टाइम पे, तो इस चक्कर में जो है उन लोगों से मिले नहीं। और ऐसा नहीं होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा कुछ मतलब कोई बड़ी अचीवमेंट होता है तो सब लोग साथ में होते हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम साथ में थे। गाड़ी बैठ के होता था रूरू, अभी हम जाएंगे इससे, क्या है ये पीपी, पीपी से जाएंगे, पीपी से। हाँ मैं तो चप्पल पहन के चल रहा हूँ। तो आज के हमारे ड्राइवर साहब हैं ये आज रूरू लेके जाएगी हमको। मैं चलाऊँ? आपको नहीं आती, पैर नहीं पहुँच रहे वहाँ तक? भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है गाड़ी। बाकी यार जब भी मैं टायर को देख रहा हूँ बड़े सही लग रहे हैं यार, देख रहे हैं मतलब एक अलग सही लुक आ गया इन टायर की वजह से ना, जैसे जियो लैंडर लिखा हुआ 80 टायर है, तो बहुत ही सही। अभी पाँचवा टायर नहीं आया, वो कल तक आएगा, तो कल जो है उसको भी लगवाने चलेंगे स्टेपनी वाले को। और कल ही मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसकी फाइल भी जमा करके आनी है RTO में। हाँ मस्त लगती है, एकदम दिखने में घर से बाहर निकली थी जो तो मैं कम आती हूँ, पर जब जाती हूँ नजर से जाती है भाई, मेरा मुंह इतनी इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है, दांत दिख जाते हैं सारे। मम्मा लेजेंडर वाली मम्मा है भाई। बेटा भी तो लेजेंड है, मेरा पति भी तो लेजेंड है। लेजेंड्स हैव लेजेंड। सो भैया सारे सवारी बैठ चुके हैं इसमें, पीछे वाले भी और आगे वाले भी। चले चलो भाई चलते हैं। मतलब इसका स्टीयरिंग मतलब हैवी है, अभी कुछ दिन में आदत में आ जाएगा, क्योंकि भाई अब 700 से कंपेयर करेंगे तो हैवी है। थार से थोड़ा हाथ मान लो, थार जैसा ही है स्लो स्पीड्स पे। तो अबे भैया पार्किंग में डाल दिए। सीख जाओगे इसके साथ, पता क्या ये पता गेम से खेलना पड़ता है, ठक 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 यूं। अभी मैं अपनी वॉच नहीं पहन के आया यार, तो ऐसे पता गेम से खेलना पड़ता है, ये नहीं आगे पीछे एक बार में दे देते, ठीक है ये भी आदत में आ ही जाएगा कुछ टाइम में। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे कोई भी कोई बड़ा अचीवमेंट होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है, मम्मी एक बार बंद कर लेना बस, है ना, तो उसमें क्या होता है AC बंद करनी पड़ती है भाई, इसमें आवाज बहुत तेज आती है, मैंने आगे कर रखी है, तो उसमें क्या होता है कि सब लोग साथ में होते हैं, छाया तो हम सब लोग साथ होते हैं छाया प्रिया वगैरह, पर अभी जो है वो लोग वहाँ है इसी वजह से वहाँ जा रहे हैं छाया प्रिया से। अरे क्या हो गया भैया, तुमने तो हदी कर रखी है पूरे ब्लॉग में, गर्मी लग रही है। चलो भाई पहले AC चलाते हैं फिर बाद में बताऊंगा। तो भाई अभी हम आए टोयोटा के शोरूम, क्योंकि हमारी जो फाइल थी वो यहाँ रह गई थी एक, तो फाइल लेनी थी यहाँ से, क्योंकि वो RTO देनी है। एक्चुअली मैं नंबर नंबर के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा था ऐसे ही, मतलब कि अपने नंबर अपनी पसंद से ले लेंगे ना, तो इस चक्कर में थोड़ा फाइल वाल का एक जगह बात बात करी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और बाकी भाई ये है कि अभी मैं जो बता रहा था ना कि हाँ कि देखो हम सब लोग साथ में होते हैं जब भी कुछ ऐसा होता था, पर अभी जो है बहुत टाइम, मतलब इस बार ऐसा हुआ नहीं। अरे मैं जब भी कुछ बताता हूँ ये रोना क्यों शुरू कर देती है भाई, ये तीसरी चौथी बार हो रहा है जब भी खजूरे अब के पिटाई होगी तुम्हारी। तो भाई बस इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं, छाया भी आ रही है प्रिया के पास, वहीं पे सब लोग जो है रहेंगे, क्योंकि आकाश भी नहीं था, प्रिया भी नहीं थी, छाया भी नहीं था, इस बार कोई भी नहीं थे, और हमने जो गाड़ी की डिलीवरी वो घर पे भी नहीं थे कि घर पे भी हो ऐसा भी नहीं था। तो अभी चलो चलते हैं, और भाई छाया भी जैसे पूजा भी करवा लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रिया से छाया से पूजा करवाते थे हम गाड़ियों की, और फिर रूरू से, इस बार सेवन ने करी है, तो वही हम दोनों सोचे थे मैं सेवन के भाई उनसे आगे पूजा करवाएंगे। और फिर उसके देखो देखो जब भी मैं कुछ बात करता हूँ उस लड़की को क्या मजा आता है, चुटिया मास्टर गाना गा लो, नाच लो, डांस कर। चलो फाइल उठाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से गाजियाबाद। मेरा डेली एक्सप्रेस में जब से बना है ना, ये रोड तो सही है पर ये टोल टैक्स भाई कहने को ही फास्ट था, पर कह रहे थे इतना फास्ट है, इतना फास्ट है बनेगा, इतना टट्टी है ना ये, हाँ इसे कहते हैं वो है पीछे वाला, इतना टट्टी है इसमें हर बार आके ऐसे खड़े रहते हैं, लाइन लग जाती है इसमें, जाम लग जाता है। अब देखो है पता नहीं लग रहा है सबका, लग रहा है फर्स्ट इनके ये काम नहीं करते, देखो वो खड़ा है ये खड़ा है, गाड़ी चला के निकल जाए ऐसे गाड़ी टूट जाएगा उसमें ठोक दूंगी वैगनर में, ये निकाल दो हम निकाल लेंगे और क्या निकाल ले वो गड्ढे पर, ना तो मैं काम कर रहा था लगा देना देगी पुलिस है। तीन चार लोग जाएंगे तो सामान इतना सामान तो फिर भी आ जाएगा बहुत आराम से, वो सीट लेट जाएगी ना स्पेस में, अब तो सामान को बताते हैं चाकी सब ले आप, तब भी ले आ सकते हैं, बहुत जगह चक्की भी रख लेंगे आटा पीसने के लिए, लद्दाख जा रहे हैं आटा पीस रहे हैं छोटी क्या कर रही
गाड़ी में सबसे ज्यादा पीछे वालों को फायदा है, पीछे मस्त सोते हो जाते हैं। इसमें पता पीछे लेट जाती है पीछे सीट पूरी, तो बहुत मस्त आराम से सोते हो जाओ तुम लंबे सफर में। मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब आराम से। अब मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, तुम भाई साहब छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन कितनी खुशी से बता रहे हो। हाँ भाई ये पता है, ये प्रैक्टिकल चाहिए ये वाली उसमें जो मेरी गाड़ी है उसमें क्या कमी है, कमी होती है इस मेरी गाड़ी में भी है। हर गाड़ी में कमियां भी होती हैं और अच्छाइयां होती हैं, बस ये देखना पड़ता है कौन सी किसी में फिट बैठ रही है। सबसे ज्यादा कमी, सबसे ज्यादा कमी थी थार में, कम्फर्ट के। हाँ प्रैक्टिकल नहीं थी वो गाड़ी, और जो गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं है फिर वो गाड़ी क्या, वो सिर्फ टोरा है और कुछ नहीं है। वो टोरा था वो पता है, दूर से देखने में वो रहता है कि एक बंदे का सपना होता है कि थार लेंगे थार लेंगे, पर जब ले लेते हैं ना उसके बाद पता चलता है उसकी प्रैक्टिकलिटी का। हाँ वो खुद नहीं, उसने वो सेकेंडरी गाड़ी अच्छी है पर तुम उसको प्राइमरी नहीं बना सकते। सेकंड दो लोगों के लिए बस, सिर्फ दो लोग बैठेंगे तो सही है, उससे ज्यादा नहीं। दो लोगों में भी कुछ खास कम्फर्ट नहीं मिलता उसमें। सो भाई लगभग अभी हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद, और मेरठ से गाजियाबाद तक मैंने ये क्रूज पे चलाई, तो क्रूज पे जो है लगभग 85-90 इसके करीब में चलाई है, और इसने एवरेज दिया भाई 16.9, मतलब लगभग 17 का एवरेज भाई इस गाड़ी से। भाई बहुत बड़ी बात है सही में भाई, 17 का एवरेज निकाला मैंने इस गाड़ी से, वो भी अभी तो नई है गाड़ी। सो ये दिखा रही है भाई 16.9 मतलब दिखाया इसने, तो मतलब बढ़िया यार, और क्या चाहिए। मैं तो कहूँ 15 का भी देगी अगर, हाँ वही तो कह रहा हूँ। इको मोड पर लगा दिया था मैंने और आराम से मस्त क्रूज पर सेट कर दिया था और अपने आप चलते रही, तो 16.9 तक इसने दिखाया है, तो ठीक है। अब क्या है 15 का एवरेज, गाड़ी से अच्छा एवरेज निकाल लेते हो हाईवेज पे। हाँ मुझे पता है ना कि कैसे एवरेज निकालना है। अब ऐसे भी पता क्या होता है, अगर हम 100-120 चलाते हैं वो कभी कभी मन होता है बस ऐसे चलाने का, नहीं तो अगर तुम नॉर्मली उसमें चलाओ ना 80-85 या 90 पे चलाते हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता टाइम में, ज्यादा था 10 मिनट का डिफरेंस आता है, पर पता है तुम्हारी गाड़ी से एवरेज इतना मस्त निकल जाता है ना। इसमें दो फायदे हैं, एवरेज भी और सेफ्टी भी, सेफ्टी भी। हाँ दोनों चीज, ज्यादा स्पीड में एकदम से कोई आ जाए बहुत मुश्किल, यही तो बात है ना, यही तो। और ये गाड़ी का तो थोड़ा वैसे ये भारी भरकम गाड़ी है भाई, तो आराम से प्यार से चलाओ क्या दिक्कत है। कभी कभार ये थोड़ा बहुत ऐसा कहीं जल्दी जाना है तो जल्दी पहुंचना है तो ठीक है, जब पहुंचना नहीं जल्दी तो आराम आराम से चलो ना, क्या दिक्कत है, 10 मिनट लेट पहुंच जाओगे। फेवरेट वाली बुआ, गेट तो बंद कर दो, मम्मी तो पूरा लेट के आई है भाई साहब, इसमें आराम से मस्त फैल के। तुम्हें दिलवा दो यहीं पे घर है, तुम्हें नहीं रहना यहाँ पे, बहुत खुश हूँ। क्यों रो रहा है बच्चा भाई, ये बच्चा क्यों रो रहा है, नई नए चेहरे आ गए बहुत सारे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे मेरठ से वहाँ, ये लोग अभी पहले फेस वॉश से मुंह धो रहे हैं, सज रहे हैं, है ना, वो उधर घुस गई, वो तैयार हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। तो भाई अभी आ चुके हैं नीचे, अभी जो है पूजा वूजा करते हैं, प्रिया लेके आ रही है जो है पूजा का सामान, फिर पूजा करते हैं फिर चलेंगे बाहर। दक्षिणा है, हाँ जी सही लग रहे ना, नंबर प्लेट्स की अभी तो आरटीओ में फाइल जाएगी, कल वल में उसके बाद आएगी। हमारी गाड़ियों में कितनी जगह पूजा हो गई, यहाँ पूजा वहाँ पूजा यहाँ पूजा वहाँ पूजा, सब जगह पूजा पूजा हो गई। चलो भाई पूजा का काम खत्म हो गया, बाकी भाई लाइट जब भी जलती है बड़ी सही लगती है। सो अभी ये सब लोग चलेंगे गाड़ी में बैठेंगे, आकाश भी आ रहा है प्लेट रखने गया है, फिर हम चलते हैं चलो बाहर। कहा आज तो पार्टी तू देगी ना, तेरी गाड़ी आई है भाई, हाँ तो आज की पार्टी प्रिया को पैसे मिले ना तो आज पार्टी प्रिया देगी, पार्टी में दूंगा आज का, ये लोग मेरे पास छोड़ के जा रहे हैं। हाँ हाँ हम भी तेरे पास ही हैं, टेंशन भी ले रही है। हाँ हाँ कल पर दो दिन पार्टी देनी पड़ेगी तो। तो भैया सारे लोग बैठ गए लगभग यहाँ पे, पीछे वाले बैठ गए सब बढ़िया कम्फर्टेबल है ना, पीछे बहुत सही है स्पेस हो जाती है, आगे हो जाती है ना, एक बंदा हो रहा सकता पीछे है, मतलब इसमें हम 8 लोग बिठा सकते हैं। चलो भाई अब चलते हैं जरा कहीं घूम के।
तो फिर यहाँ से हम सारे के सारे लोग जो है घूमने के लिए निकले नोएडा के अंदर, और नोएडा के अंदर उन सब जगहों पर घूमे जहाँ हम पहले घूमते थे। मतलब हम यहाँ पे जब मैंने उसे मैंने अपनी जो लाइफ की स्टार्टिंग करी ना करियर की, वो यहीं से करी है, जॉब करना। हम यहाँ पे एक ममूरा नाम का एक गाँव है, उस गाँव में रहते थे, एक छोटे से गाँव में रहते थे, जैसे हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम एक अच्छा फ्लैट ले सकें, तो हम छोटा सा कमरा लेके वहाँ रहा करते थे, मैं मंगू, हम बहुत हमने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे। और जब मैं इन बिल्डिंग्स को देख रहा था ना, तो मुझे वो सब चीज़ें याद आ गई जब मैंने यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट किया था जब मैं 17 साल का था। मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पे अपनी खुद की फॉर्च्यूनर लेके यहाँ पे आऊँगा। तो भैया अभी समय आ चुका है घर जाने का, तो अभी चलते हैं। ओके बाय बाय, टाटा, अलविदा, रूस बाय कर दो, चलो तुम भी चले जाओ, बाय कर रूस। वो अपनी गाड़ी को देख रही है, ये कह रही है मैं इसमें जाऊंगी क्या, इतनी सुंदर गाड़ी में जाऊंगी क्या मैं, कर रही है चले भाई, चलो देख लो विनोद जा रहे हैं आगे छोड़ के, चले विनोद। अच्छा काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया क्या, मैं चल रहा हूँ प्रेस वाले का, अभी तो सुबह स्टार्ट होगा ना, रात में ग्राहक आ जाते हैं ना। अच्छा तो ये कपड़े लेके आए हो अभी तुम, अच्छा मैं चल रहा हूँ, मिनट में प्रेस कर दिए मेरे को, ठीक है ठीक है, चलो चलो वहाँ पे लाइट सस्ती है, हाँ वह कोयले वाली चलती है अभी, चलो बाय बाय टाटा। ये ड्रामा है उसके साथ, हम कम से कम भाई कुछ ना 15-20 मिनट से यहाँ खड़े हैं यहाँ पे, ना तो ये खोल रहे, उधर वाला चल रहा है, पता नहीं क्या दो चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा कभी, वो नहीं चल रहा, और यहाँ खड़े हैं इस वाली लाइन में 20 मिनट से। क्या ड्रामा यार, मतलब ये एक्सप्रेस वे क्या ही बनाया है भैया, इससे बनाया तो टोल अगर तुम्हें लेना ही था तो वैसे ही काट लो भैया। वैसे अभी पहुँच चुके हैं घर, और भाई लगभग रात के अभी 1:30 बज रहे हैं, मतलब सही है, मतलब एक तुम्हारा टोल टैक्स में बहुत टाइम लगा भाई, कम से कम कुछ तो 20 या 25 मिनट हम खड़े होंगे वहाँ पे, बहुत टाइम लग गया, पर कोई नहीं, अब फाइनली घर पहुँच चुके हैं, और अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो अभी सो जाते हैं, और कल से जो है अपना टाइम टेबल भी हमें सुधारना है, क्योंकि यार अब दोबारा से ना लेट जगना स्टार्ट हो गए हैं, सो वो बहुत गड़बड़ वाला मामला हो जाता है, तो वो सब चीज़ें सही करेंगे, बाकी कल बताता हूँ ठीक है, जो भी प्रोग्राम है क्या क्या है कल का, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, अभी नमस्ते, टाटा, बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना, कर देना, मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।